नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। बिहार में सातवीं बार बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया है और उनके कैबिनेट भी तैयार हो गई है, लेकिन उनका लिया गया एक फैसला विवाद का कारण बन गया है। बात हो रही है नए शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी की, उनको लेकर विवाद हो रहा है। जेडीयू के मेवालाल चौधरी पर भागलपुर कृषि यूनिवर्सिटी का वॉइस चांसलर रहते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट रहते हुए भर्ती में धांधली का आरोप लगाया था। अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं थे, तब वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ सत्ता में थे। अब सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से मेवालाल की गिरफ्तारी की मांग की थी। अभी तक उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है और ऐसे आरोपों के बावजूद भी नीतीश कुमार ने मेवालाल को शिक्षा मंत्री बनाने पर आरोप उठा रहे हैं। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भड़के हुए हैं और उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी कहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आईपीसी 409, 467, 468 और 471 और 120 बी के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम एवं लूटने की खुली छूट प्रदान की है। भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में भगोड़े आरोपी को शिक्षा मंत्री बना दिया, अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया और इसके चलते बिहार सरकार विवादों में घिरी हुई है।